अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अलीम नवाज शाह और आप देख रहे हैं सन इंटरनेशनल डॉट टीवी। नाज़रीन, इस अफरा तफरी और तेज़ रफ्तारी टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें हैं, वहाँ पे हम अपने स्पोर्ट्स और कल्चर्स को और ज़्यादातर हम भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखने में आया है कि खेलों का इनेकाद इस कदर नहीं हो रहा जिस कदर होना चाहिए था। एक सेहतमंद जिस्म के लिए खेलों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अक्सर हम देखते हैं कि सिर्फ ये एक मोबाइल की हद तक रह गया है और लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, ना वालदैन ना कुछ, जबकि खुले जहन और जिस्म के लिए सेहत और के लिए एक स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी मायने रखता है। इसी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रोग्राम खेल के नाम से शुरू किया है और आज हमारे साथ ग्रैंड मास्टर जनाब अशरफ ताई साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, तो आइए आपसे पूछते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में बात करना ऐसे ही है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो। आप माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान का एक नाम और फख्र पाकिस्तान है, और इसी सिलसिले में आज हमने आपको तकलीफ दी और अपने नौजवान और तमाम को हम एक मैसेज आपके ज़रिए देना चाहते हैं कि इस माशरे के अंदर खेल जो हमारे रुके हुए हैं किसी किस्म के भी, जिसमें एक बेहतरीन और मैं समझता हूँ जिस्मानी फिटनेस के हिसाब से पहले ही हमें सब्जेक्ट नज़र आया जूडो, कराटे और बांडो, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप सर पहले तो अपने बारे में खुद फरमाइए कि आपने कब से शुरू किया, आपके वालदैन ने क्या सपोर्ट की, कितनी तालीम है, कहाँ से आए। माशाल्लाह आप ताई जो है हातम ताई के घराने से आपका एक ताल्लुक है जो सकाफत की वजह से पहचाना जाता है और पहचाना जाता है सकाफत के हवाले से, और जिनकी पर बेतहाशा फिल्में बन चुकी हैं, स्टोरीज का एक हिस्सा हैं, और इसी तरह खुदा आपको सलामत रखे और आपकी लंबी उम्र हो। आप इस वक्त इस अफरा तफरी के दौर में भी एक स्पोर्ट्स को लेके बैठे हुए हैं और नौजवानों को फेस दे रहे हैं, तो हुजूर आला आप खुद फरमाइए। मैंने मार्शल आर्ट का आगाज़ अकिया बर्मा से किया जब मैं 9 साल का था। 9 साल से स्टार्ट किया, 16 साल में मुझे ब्लैक बेल्ट मिला, उसके बाद मैं प्रोफेशनल में आ गया। प्रोफेशनल का मतलब यह है कि यू फाइट फॉर द मनी, प्राइज मनी के लिए आप फाइट करते हैं। और मैंने जूनियर से लेकर सीनियर तक हर वेट में फाइट की और इस तरह मैं इन 71 बर्मा से माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट करके वेस्ट पाकिस्तान यहाँ आया। यहाँ पाकिस्तान में उस वक्त कोई इंस्टीट्यूट नहीं था मार्शल आर्ट का, तो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया और इस वक्त मेरे 21 लाख शागिर्द हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, चमन से लेकर गिलगित तक हर जगह मेरे स्टूडेंट हैं और उसको मैं डील करता हूँ। मेरे साथ रशीद मुगल ये होते हैं, हुसैनी मोतीवाला होते हैं, और मेरा बेटा तो है ही है मेरे साथ। इस तरह करके हमने ये सिस्टम को बनाया है। सर यहाँ मैं एक आपसे सवाल अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े थे वो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो यहाँ तो मैंने देखा है माशाल्लाह आप तो नवाबों से भी बहुत, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 21 लाख जिसके पूरे पाकिस्तान से शागिर्द इंटरनेशनल भी होंगे डेफिनेटली। तो सर आपकी तालीम में आपका स्पोर्ट्स के हद तक आड़े आया या आपकी तालीम आड़े आई स्पोर्ट्स में, इसके बारे में आप वजाहत फरमाइएगा। मैंने सैन प्लासेट से बीकॉम किया है और हमने तालीम और स्पोर्ट्स को साथ साथ रखा है। वैसे आई वॉज़ नॉट ए गुड स्टूडेंट, मगर कॉन्सेंट्रेशन करता था और इम्तिहान में तैयारी करके इम्तिहान देता था, पास हो जाता था। तो ये तो एजुकेशन है, बाकी स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन गोज़ टुगेदर,
अगर आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स करके आप एजुकेशन नहीं कर सकते, एजुकेशन करके स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, ये अलग चीज़ है। आप दोनों पे कंसंट्रेट करें और दोनों से रिजल्ट आ। हम कहते हैं माइंड ओवर बॉडी, आपका माइंड आपकी बॉडी को फोकस करता है। माइंड जिस तरह सोचेगा बॉडी इस तरह रिएक्ट करेगी, तो वी कॉल इट माइंड ओवर बॉडी। उसके बाद यह है कि इसमें कंसंट्रेशन या मुराकबा भी इसका बड़ा दखल है, और हम बच्चों को कराते हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले हमको। सर आपने किस किस मुमालिक में पाकिस्तान का कितना नाम रोशन किया और आपको उतना हक मिला जितना मिलना चाहिए था, आप क्या समझते हैं? मैंने जापान में निपन पादुकोण में फाइट की, अमेरिका में फ़ाइट की, मतलब तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में मैंने फ़ाइट की है। और नेचुरली जब आप फाइट करते हैं तो प्राइज मनी भी मिलती है, और वो खैर अच्छी मिली। और मैंने फिर इस आर्ट को अपने स्टूडेंट में ट्रांसफ़र किया। अभी बुशीमान इंटरनेशनल के जो चीफ हैं ग्रैंड मास्टर जुल्फी, वो अमेरिका में पूरा चला रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको और कामयाबी होगी। इस तरह अमेरिका में इरफान मुर्तज़ा हैं, वो चला रहे हैं, यूसुफ चला रहे हैं, ये पूरा नेटवर्क हमारा काम करता है और हम इसको चला रहे हैं। ज़ाती सा सवाल है, पूछना चाहिए कि आपने माशाल्लाह कितनी शादियाँ की, कितने बच्चे हैं? दो शादियाँ हैं और ये अब्बास, और इसके साथ इसकी बहन है, और अमेरिका में आज़म एंड अली हैं, वहाँ हैं, तो दो यहाँ दो अमेरिका में, चार बच्चे हैं। चार बच्चे माशाल्लाह। सब आपके सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है सर? ये सबसे छोटे हैं या सबसे बड़े? ये छोटा है। छोटे हैं। अच्छा, इसने स्टार्ट किया था 3 साल से। अब कितनी एज है आपकी? 10। अभी 10 साल के हो गए। जूडो माशाल्लाह। अच्छा बेटा कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा गुड नेम आपका? अब्बास। अब्बास, अच्छा अब्बास तो वैसे गाजी होता है हमेशा। माशाल्लाह गाजी रहे, हमारी दुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि बेटा आप क्या समझते हैं, 7 साल आपने, यानी मैं समझता हूँ कि आपने पैदा होते ही, मेरी नज़र में तो आपने, बच्चा स्कूल जाता है तो आपने तो पहले जूडो शुरू कर लिया, तो आप क्या समझते हैं बेटा 7 साल आपने जूडो को दिया, आपने कहाँ तक सीखा, कि आपका माइंड क्या कहता है, और पढ़ने की तरफ आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि खेल एक अलग चीज़ है, या पापा की तरह आप इसी चीज़ को आगे लेके चलना चाहते हैं? अभी तो मैं खैर ब्लैक बेल्ट हूँ, और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, और मुझे बड़े होकर मतलब दो काम करने हैं, एक क्रिकेटर बनना है और दूसरा डेडा की तरह चलते रहना है कराटे के साथ भी। हाँ हाँ क्रिकेटर क्यों बेटा? क्रिकेट और जूडो में तो बहुत फर्क है, आपने क्रिकेट को क्यों चूज किया? दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों मेरे फेवरेट हॉबीज हैं। तो आप क्या समझते हैं क्रिकेट में आप बेटा कामयाब होंगे? इंशाल्लाह। चलो तो वेरी गुड, हमारी दुआएं आपके साथ, और आप भी सर के शागिर्द हैं। आपका गुड नेम? मेरा नाम है रशीद मुगल, और सर का मैं स्टूडेंट हूँ। 78 में मैंने सर के पास आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 44 साल हो गए हैं। माशाल्लाह सर ने हमें कॉन्फिडेंस, पावर और बोलना सिखाया है, और सर माशाल्लाह हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और हमें इन्होंने सिखाया कि किस तरह जीना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विल पावर डबल हो गई है, शुक्र है अल्लाह का कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें इस बात का फख्र है कि ग्रैंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई हमारे उस्ताद हैं। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, सर की खिदमत कर रहे हैं, और सर को अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे।
अच्छा ये फरमाइएगा आपके पाकिस्तान में आपने जीता, ये पाकिस्तान से बाहर भी आपने नाम रोशन किया है। जी जनाब, मैं 83 में मैं चैम्पियनशिप जीत के आया बम्बई, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फतह मिली, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ा हमारा टूर कामयाब रहा, बम्बई से हम फाइट जीत के आए। उसके अलावा और ममालिक? उसके अलावा मैं गया हूँ दुबई वगैरह गया हूँ, और सऊदी अरब गया हूँ, और शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने हर जगह कामयाबी दी। ये मैं आपसे मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे सारे, शादी शुदा हैं डेफिनेटली, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, तो वो आप क्या कहते हैं, आपने भी उनको स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दिलाई और प्रैक्टिकल फील्ड जिसको हम तालीम और बिजनेस या दीगर सर्विसेज कहते हैं, तो उसके अंदर उनका क्या रोल रहा है और वो किस हद तक कामयाब रहे? माशाल्लाह मेरे बेटे, 6 बेटे हैं, 3 उसमें कंप्यूटर इंजीनियर हैं और 3 जो है ये मार्शल आर्ट से वाबस्ता हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि सब वेल सेट हैं बच्चे मेरे, शुक्र है अल्लाह का। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जूडो कराटे और बांडो में क्या फ़र्क है, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जूडो मीन्स जेंटल वे ऑफ फाइटिंग, मतलब इसमें थ्रोज होती हैं और आपको अपोनेंट को थ्रो करना पड़ता है, वेयर एज कराटे किक एंड पंच। बांडो का जो है फार्मूला वो कम्बिनेशन ऑफ ऑल आर्ट, सब आर्ट को आप इकट्ठा करते हैं, इसमें थ्रोज हैं, किक हैं, पंच हैं, लॉक हैं, चौक हैं, तो इसे कंप्लीट मार्शल आर्ट विच इज़ बांडो। अच्छा सर, ये जो हमारे यहाँ आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है, मोबाइल छीने, एक ज़िंदगी ख़त्म कर दी, गली से आ गए निकल के, हम यहाँ सीख रहे हैं और वो कहते हैं आप इतनी देर में हाँ हू करेंगे तो निकाली पिस्तौल धाड़ धाड़ मार के आजकल चले गए, जो कि बड़ी सनसनी मैं समझता हूँ कि बात है और नुकसानदेह बात है कि एक मोबाइल के लिए इंसानी जाने जा रही हैं दीगर, तो ख़वातीन को भी लूट लेते हैं, और यहाँ तक कि कहीं देखने में आया है हमारे कि ख़वातीन को ले गए उठा के गाड़ी में डाल के कहीं, वो बहुत सारे वाकयात इस माशरे में होते रहते हैं, तो आप क्या कहते हैं सर कि जो ख़वातीन हैं उनको किस हद तक इसको सीखना चाहिए और वो अपना किस हद तक डिफेंस कर सकती हैं, और घर से उनको कितनी इसके अंदर जो है ना सहूलियात देनी चाहिए या वालदे नहीं देते उनको, क्या उनके बारे में क्या पैगाम है? लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लोज कॉम्बैट अगर आप होते हैं तो फिर आप छीनने की कोशिश करें, अगर 2-3 फीट दूर हैं तो गिव अप, आप अपने आप को सरेंडर कर दें वरना गोली लगेगी आपको, तो एक मोबाइल जाने से जान बेहतर है, इससे आप बचें। लेडीज़ का इसमें यह है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं उनको, इतना उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो रेगुलर लाइफ में अपना इस्तेमाल करें। अच्छा ये लेडीज़ के लिए आप उनको जेंट्स तरबियत देते हैं, जैसे होता है हमारे माशरा है क्योंकि इतना एडवांस नहीं है, कुछ लोग एतराज़ात करते हैं कि जी लड़के लड़कियों को देते हैं जूडो की, या आपके उनके लिए कोई लेडीज़ के लिए लेडीज़ का ही आपने एहतमाम रखा है? हाँ, मेरी वाइफ इंस्ट्रक्ट करती हैं, वो लेडीज़ को डील करती हैं माशाल्लाह, और पूरा सिस्टम वो चलाती हैं, हम खाली एडवांस पॉइंट बता के हट जाते हैं, लेडीज़ को ही सिखाते हैं। वो भी ब्लैक बेल्ट है। सेहतमंद जिस्म और जहन के लिए जूडो कराटे क्या एक अहमियत रखता है और उसमें क्या वो इसकी परवरिश में अफजाइश में फ़ायदा देता है? हम मार्शल आर्ट में कहते हैं ना कि जब मैदान आबाद होते तो हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं, इस सिलसिले को लेके हम प्रैक्टिकल उनको कंसंट्रेशन सिखाते हैं जिसको आप मुराकबा भी कह सकते हैं, और माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, इसको आप कोऑर्डिनेट करके हम इसको चलाते हैं, और एक वक्त आता है कि वो फुली वो हो जाती हैं। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि ये छठी हिस क्या है, सुनते हैं छठी हिस औरतों की बड़ी तेज़ होती है आदमी की, छठी हिस क्या है और ये
जूडो कराटे बांडो का इस छठी हिस्से पे क्या असर होता है, क्या तेज होती है, कम होती है, यह है क्या छठी हिस्सा? छठी इसका यह है कि यहाँ से एक वेन जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड पे आती है, और वो जब एक्टिवेट होती है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। यहाँ से जाती है और नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड पे टच करती है, जब ये टच करती है तो आप बॉडी आपकी रिएक्ट करना शुरू होती है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे जूडो कराटे को तकवीत देता है? बहुत, ये हर आदमी को ये इसका फायदा है अगर वो करे तो। सर एक सवाल है कि इस महंगाई के दौर में जो 30-40 रुपए टमाटर थे, आजकल तो कुछ चीज 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है, और लोगों की तनख्वाहें कम है, और लोगों के अंदर जस्तजू भी इस वजह से भी खेल कुछ पीछे हैं कि वो अपने पेटों को देखें या अपने शौक को पूरा करें या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ऐसी चीज ले सकें। तो आपने इस सारे मामला को देखते हुए यहाँ क्या फीस रखी है, ड्रेस भी माशाल्लाह आपने रखे हैं उसमें शामिल है नहीं, तो ये अपर हमारी फीस बहुत नॉमिनल है, और हमारे जैसे कि जो गरीब बच्चे आते हैं जो नहीं देना चाहते हैं, अब रशीद मुगल हैं ये पैसे वाला आदमी है, इसने कहा कि मैं 10 लड़कों का खर्चा मैं उठाऊंगा, हुसैनी मोती वाला है उसने कहा कि मैं उठाऊंगा, तो ये गरीब बच्चों को ये सपोर्ट करते हैं। ड्रेस इनका होता है वो नॉर्मल 300 रुपए का ड्रेस मिल जाता है, वो इस तरह सिलसिला चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऋषि साहब आप ये फरमाइए, ये माशाल्लाह ये तलवारें भी लगी हुई हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे नाजरियों को फरमाइए, कहाँ कहाँ से सर ने ये जीते हैं, और माशाल्लाह ये तो सर की छवि भी बनी हुई है इसके ऊपर। ये सारे मेडल सर ने जो फाइटें जीती हैं सब एक एक करके सर को मिले हैं, ये सारे एजाज ग्रैंड मास्टर ने पूरे काफ़ी मुल्कों से ये लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मेडल आपके सामने हैं। ताई कराटे सेंटर में आपने देखा, और बड़े फ़ख्र की बात है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वालदैन ख़ुद अपने बच्चों को लेके आए हैं और वो उनको ख़ुद तरबियत कराना चाहते हैं खेलों की तरफ। ये रुझान देख के तालीम के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वालदैन के तासुरात लेते हैं, आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, आप यहाँ आई, आपके बच्चे हैं? जी जी मेरे बच्चियाँ हैं, दो बच्चियाँ हैं। दो बच्चे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, आप उनको इस महंगाई के दौर में स्पोर्ट्स की तरफ लगा रही हैं, डेफिनेटली पढ़ भी रहे होंगे, कौन सी जमात में आपके बच्चे? अभी तो ये नर्सरी में है, 5 साल की बच्चियाँ हैं मेरी। 5 साल की बच्चियाँ हैं, अच्छा। तो आप क्या कहते हैं, आपके जहन में क्यों आया कि आपने यही एक खेल को चुना? खेल के लिए तो बहुत सारे हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट, आपने कि ये डिफरेंट और अच्छा है, ये सेल्फ डिफेंस भी और ख़तरनाक भी है, हड्डी पसली भी इसमें टूट सकती है मेरा ख्याल है, तो आपने ये सब चीज़, आपका हौसला है आपने, और क्यों, क्या ऐसी चीज़ है कि अशरफ ताई सर से मुतासर हो गया आपने यहाँ पे बच्चों को कराया? अशरफ ताई को कौन नहीं जानता, सबसे पुराने हैं कराटे में, और जैसे कि आजकल का हमारा इन्वायरमेंट है, मोबाइल और टीवी में हम घिरे पड़े, तो मोबाइल और टीवी के जो दौर है इसके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि बच्चे अपने बेड से उठें और फिज़िकल हो यहाँ पर। और यहाँ पे सिर्फ मारपीट नहीं है, आप एक्सरसाइज देखें, और जो मुझे तो इनका जो वेट डाउन करते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर बच्चे को सीखना चाहिए, लड़की को भी सीखना चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए, जब ये वेट डाउन करते हैं अपना, इनकी एक एक्सरसाइज है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है। अभी आपके बच्चे कितना साल हो गए यहाँ? अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हो, क्योंकि मेरी बच्चियाँ 5 साल की ही है। मुस्तकबिल में आपने इनको ब्लैक बेल्ट वगैरह बनवाना है? इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बनवाना है, इसीलिए तो हम पेरेंट्स यहाँ पे आके बैठते हैं, हम इनके लिए एफर्ट करते हैं, और फिर दूसरे पेरेंट्स भी हमें देख के और मोटिवेट होते हैं। कितने लोग आते हैं पूछते हैं
कि आप यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों को सिखा रही है, तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट है, मतलब आपकी नज़र के सामने आपके बच्चे खेल रहे हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स आते हैं। इन्होंने जिक्र किया और कुछ देर पहले आप अभी देख भी रहे थे फिजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से बच्चियों को, और वो ये बच्चियाँ इनकी बच्चियाँ हैं। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं कुलसुम। जी उम्मे कुलसुम। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, आपको कितना दिन हो गया आपको सीखते हैं? बहुत अच्छा कर रही थी। 2 months बोलो, 2 months। क्या बनेंगी बड़े होके? बड़े 2 साल हो गया। पुलिस। पुलिस बनेंगी? पुलिस क्यों बनेंगी बेटा? आपने मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, बहुत सारे पैसे लेने हैं लोगों से, डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगी? चले अच्छा प्रोफेशन है और गंद को साफ होना चाहिए। नादरीन कोई अभी बच्चों के अंदर ये अज़म देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस वक्त के जिस किस्म के यहाँ के हालात हो गए हैं और लूटा मार कटाई लूटा घसीटी हो गई है, तो ये बच्चियों का जज्बा और मैं बहुत इससे काफ़ी मुतासर हुआ हूँ, और होना चाहिए, पुलिस में भी होना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर्स के साथ फ़ौज में भी होना चाहिए, और यह हमारी आवाम जिस तरीके से अब ये सोच रही है, तो मुझे बहुत ही मतलब पॉजिटिवली मुझे मेरे सवालों का जवाब और आंसर्स मिल रहा है, एंड आई थिंक आपको भी ज़रूर मिल रहा होगा। नवा जैनब, आप कौन सी में पढ़ती हैं? केजीएफ। अच्छा, बच्चों के एग्जाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता, उल्टा एक्सरसाइज से इनका ब्रेन और अच्छा काम करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए नाज़रीन और हम देखते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान खान लोधी। इमरान खान साहब, ये क्या है आपके हाथ में? ननचक्स है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। वेपन है, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है ननचक्स, ये भी एक मार्शल आर्ट का एक हथियार है सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए इसका कोर्स अलग होता है क्या? जी सर, इसका कोर्स अलग होता है। अच्छा जी जी, तो आप हमें इसका नमूना दिखाएंगे? जी बिल्कुल, करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने दिखाया ये सारी तरबियत आपने। इस वक्त आपके पास कौन सी बेल्ट है? मेरे पास ब्लैक बेल्ट 5 डाउन। 5 डाउन। अच्छा, ये आपने कितना आपको यहाँ पे तकरीबन टाइम? मुझे 32 ईयर्स हो गया। 32 ईयर्स से आप? बचपन से। तो फिर आपने, इसका मतलब है कि बाहर के मुल्कों में भी सर की तरफ से के लिए नेशन चैम्पियन पोसार जगह के लिए बहुत खुशी हुई, उसको जारी रखिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ छोटे अशरफ ताई साहब हैं, यहाँ मौजूद हैं, और ये साहबजादे हैं अशरफ ताई साहब के, और आप इस वक्त क्या हमें दिखाएंगे? मैं आपको स्टिक चला के दिखाऊंगा। ठीक है, आप दिखाइए फिर। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त कमाल हो गया। थैंक यू। और अब मैं सर से कहूँगा, सर एक दो हमें ऐसे जो सर बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आपके देख के, और इंशाल्लाह आवाम भी खुश होगी, तो एक दो हमें ऐसे डेमो
लिखा है जैसे फाइट्स वगैरह का होता है या कुछ सेल्फ डिफेंस खवातीन का, क्या किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है पीछे से वो आ गया, लड़की अपना कैसे सेल्फ डिफेंस करेगी, या तो इस किस्म की कुछ चीज़ दिखाएं ताकि अवेयरनेस थोड़ी हमारे नाज़रीन तक भी पहुँच सके। ये नाज़रीन एक ये बच्चा हमारे सामने और खड़ा है, ये आप बेटा क्या नाम है आपका? अमान। अमान ये आपने कौन सी बेल्ट ली हुई है? येलो। येलो ये किसके बाद आती है? येलो वाइट के बाद। वाइट के बाद येलो। क्यों क्या हाल है बेटे? क्या नाम है आपका? ईशा खान। ईशा खान ये जूडो आपने माशाल्लाह सीख रहे हैं और ये एक सेल्फ डिफेंस था कि अगर हमारे यहाँ लड़की को वो पर्स छीनता है उठाने की कोशिश करता है ये वो, तो माशाल्लाह ये तो प्यारे हैं बहुत अच्छे, और उसको आपने जिस तरह से दिखाया कि गुंडों से इस तरह से निपटा जाएगा, तो आप क्या कहती हैं बेटा कि हर तरह से लड़कियों को ये प्रमोट होना चाहिए इस चीज़ के अंदर? जी बिल्कुल, लड़कियों को प्रमोट होना चाहिए क्योंकि आजकल का ज़माना बदल गया है, तो लड़कियों को ये सबको आना चाहिए क्योंकि आजकल जहाँ बाहर निकलोगे तो हमें इस तरह के वैश्य दरिंदे खड़े हुए होते हैं, देख रहे होते हैं कि लड़की कब बाहर निकले और हम लोग हमला कर दें, तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों को सीखना चाहिए। बांडो मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में ये सारे गेम्स आते हैं, इसमें बेस्ट गेम जो है ना बांडो है। बांडो जो है ना वो उसके साथ मैच होते हैं, कमांडो ट्रेनिंग के साथ मतलब मैच होते हैं, बिल्कुल जैसे कमांडो का ट्रेनिंग है बांडो भी हिस्सा है। नाज़रीन इसके अंदर हम आपको ही दिखाते चलें कि छोटे बच्चे हैं, आजकल हमारे यहाँ बच्चों को दरवाजे से उठा के ले जाते हैं, अगवा कर लेते हैं, और छोटे छोटे ये जो बच्चे होते हैं और इनकी कोई मदद भी नहीं कर पाता, तो हमने यहाँ पे सर से गुजारिश की थी, उन्होंने एक हमें डेमो दिखाया है कि पीछे से ये बच्चा जा रहा है और ये माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट है, सर के साहबजादे भी हैं, तो ये अगर जा रहे हैं यहाँ से और कोई इनको उठाने की उम्र के हिसाब से बड़ा आदमी कोशिश करता है तो ये किस तरह अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, उनको गिराते हैं और मार के और ख़ुद किस तरह से निकलते हैं, तो ये आइए ज़रा देखते हैं। जी नाज़रीन हमें हैरत यहाँ पे ये हुई माशाल्लाह देख के और ख़ुशी हुई कि सर कोई जवान और हर किस्म की उम्र के और बच्चे और सारे इसमें इंटरेस्टेड हैं इस स्पोर्ट्स में, उसी के साथ साथ एक इलाज करने वाले डॉक्टर साहब और वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह अच्छी उम्र के अंदर भी वो आप सीख रहे हैं, और ये बड़ी बात है, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप इस उम्र में भी और इसमें भी आप जहाँ नौजवान भाग जाते हैं क्योंकि ये लोहे के चने हैं और हैं मगर बड़े मज़ेदार, तो ये लोहे के चने जवान नहीं चबा पाते हैं, तो आपने क्यों ऐसा इरादा किया? तो आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका इसमें बारे डॉक्टर तैयब उस्मानी। डॉक्टर तैयब उस्मानी साहब, डॉक्टर साहब आप तो एक माशाल्लाह एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर और जूडो कराटे में तो बड़ा फ़र्क है, आपने ऐसा क्या चीज़ देखी कि आपने इसको लाइक किया और आप माशाल्लाह इसमें आए? मार्शल आर्ट से मेरा रिश्ता पुराना है और मुख्तलिफ फॉर्म सीखे हुए हैं, पहले मैंने ताइक्वांडो में था, यंग मुंडो सीखा, अब मैं कराटे में हूँ, और ये रिश्ता मुख्तलिफ नहीं है, वो भी फ़िज़िकल फ़िटनेस है, ये भी फ़िज़िकल फ़िटनेस है, वहाँ पे सिर्फ फ़िज़िकल फ़िटनेस मिलती है, यहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गेविटी, ये सब कुछ आपको एक साथ ही मिलता है, ये इट्स अ होल पैकेज इन वन, सो ये है इसका इसकी वजह। और जहाँ तक आपने ताल्लुक़ बात की कि एज का कोई मार्शल आर्ट से लेना देना ख़ास नहीं है, हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं अशरफ ताई साहब, तो उनका ये जुमला मुझे बहुत पसंद है कि ऑलवेज़ माइंड ओवर एज, माइंड ओवर बॉडी, तो असल बात यह है कि आप एज इज़ जस्ट अ नंबर, फिज़िकल फिटनेस अगर आपकी रहे तो मेरा नहीं ख्याल है कि मार्शल आर्ट्स में कोई मसला है। बेहतरीन, अब नौजवानों के लिए एज ए डॉक्टर इस कराटे और इसके लिए आप स्पोर्ट्स से मुतालिक आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि काउच पोटैटो बनने की और जो आप मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, जो दुनिया बनिया की जो खुराफात हैं, उससे बेहतर है कि आप मार्शल आर्ट्स में आएँ, आप फिज़िकल फ़िटनेस की गेम्स है, नॉट इवन मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जितने भी गेम्स हैं फिज़िकल फिटनेस के, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ताई कराटे सेंटर के, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी,
विच इज़ सर्विंग फॉर लास्ट 4 decades और सो, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है ग्रैंड मास्टर को यहाँ पे सर्व करते हुए। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और कॉन्फिडेंस के साथ जिएं, फिज़िकल फिटनेस का अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा और बहुत कुछ आपको देखने और सीखने को मिला होगा, और ये थे हमारे साथ अशरफ ताई साहब और आपकी मिसेस आप सैयदा समीना शाह। आप भी शुरू से मतलब आपने भी बड़ी माशाल्लाह दुनिया देखी होगी और काफ़ी इनामात भी जीते होंगे। आप क्या हैं, ब्लैक बेल्ट हैं? जी मैं ब्लैक बेल्ट 3rd dan हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब 5th dan तक चली जाऊँगी इंशाल्लाह। और मैंने अपने बच्चों के साथ सीखा है, अपने बच्चों को सिखाया, ये शौक़ मेरा है तो मुझे बचपन से था, बस टाइम जो है वो बच्चों के बाद मिला। लेकिन मैंने उसके बाद अपने चैम्पियनशिप्स के लिए कोयटा में 2005 में मैंने नेशनल गेम खेला है, लाहौर में खेला, इस्लामाबाद में। उसके अलावा मैंने हॉकी ब्रेक किया और फिर एक चैनल था उसमें मैंने गाय को थ्रो किया था लिविंग ऑन द एज। तो इस तरह की मतलब सारी एक्टिविटीज़ की हैं, सेल्फ डिफेंस वगैरह तमाम चीज़ें, ननचक सब चीज़। बहुत शुक्रिया नादरीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए ताई कराटे सेंटर नुमाइश से, और यह प्रोग्राम खेल देख रहे थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए सन इंटरनेशनल .tv। अल्लाह हाफिज़।